राजस्थान में डांगी पटेल पाटीदार समाज द्वारा की जा रही सरदार पटेल बोर्ड बनाने की मांग ने समाज में तेजी पकड़ ली है। विभिन्न जनप्रतिनिधि और मंत्रियों द्वारा मुख्यमंत्री को पत्र लिखने और समाज के लोगों द्वारा हजारों ट्वीट करने के बाद अब प्रदेश भर में जिला मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर सरदार पटेल बोर्ड बनाने की मांग की है। उदयपुर जिला मुख्यालय पर भी डांगी पटेल पाटीदार समाज ने कलेक्टर के बाहर प्रदर्शन कर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप कर जल्द सरदार पटेल बोर्ड बनाने की मांग की है। समाज के उदयलाल डांगी ने कहा कि डांगी समाज के अधिकतर लोग कृषि पर निर्भर है और आज की इस आधुनिकता के कारण कृषि क्षेत्र में भी काफी पिछड़ गए हैं और सरदार पटेल बोर्ड बनने से हर व्यक्ति को इसका लाभ होगा। साथ ही कृषि के साथ साथ शिक्षा और अन्य कार्यों में भी समाज को लाभ मिलेगा। इस दौरान समाज के नए जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल का साफा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान राजस्थान डांगी पटेल सेवक संस्थान के अध्यक्ष गोपाल पटेल, आरएलपी के उदयलाल डांगी, डांगी जागृति संस्थान के अध्यक्ष पंकज पटेल, गहरीलाल डांगी, मोहनलाल डांगी, दिनेश पटेल, चुन्नीलाल डांगी, हीरालाल पटेल, विष्णु पटेल, पूर्व सरपंच रमेश पटेल, तुलसीराम डांगी, मणिबेन पटेल सहित बड़ी संख्या में समाज के पदाधिकारी मौजूद रहे। मैं गोपाल पटेल, डांगी पटेल समाज अध्यक्ष, डांगी पटेल सेवा संस्थान के अध्यक्ष एवं गांव एकलिंगपुरा, तहसील गिरवा, जिला उदयपुर का रहने वाला हूं। आज जो हमारे सभी भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल की उस लेके आए हैं और ज्ञापन दे रहे हैं कलेक्टर साहब को, कलेक्टर साहब भी हमारा सहयोग करेंगे। मुख्यमंत्री साहब से, सरकार से भी अनुरोध करेंगे, जाना पड़ेगा तो जाएंगे। 20,000 अगर इकट्ठे भी करने पड़े हमारे डांगी पटेल समाज के, तो हम इकट्ठे करेंगे और इसको जो आज चालू किया उसको हम छोड़ेंगे नहीं। चुनाव पहले हमारा समिति का गठन होना चाहिए। सभी समाज में गठन होता है और हमारा डांगी पटेल समाज का कोई गठन नहीं है, इसलिए हमारी ये मांग है कि जल्दी से जल्दी हमारा ये गठन हो। देखो, आज डांगी पटेल पाटीदार राजस्थान में और हमारे संभाग लेवल में सरदार पटेल बोर्ड को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं। तो आज हमने, हमारी समाज के सभी मोहतवीरों ने जिला वाइज तय किया कि एक जगह ना आकर सारे जिलों में एक ही टाइम रखा है सरदार बोर्ड गठन हो। हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से इस बार हर एक समाज का बोर्ड बनाया और हमारे समाज का भी इस संभाग में लें अपन, तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौर, प्रतापगढ़, राजनगर में अच्छी तादाद में डांगी पटेल पाटीदार रहते हैं। हम मुख्यमंत्री जी से मांग करने के लिए आए हैं और कलेक्टर साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं कि हमारे समाज का सरदार पटेल बोर्ड बने। क्या कारण है कि बनना चाहिए? अगर देखा जाए तो डांगी पटेल पाटीदार एक अन्नदाता है, किसान कौम है, और आप भी सब यहाँ पत्रकार खड़े हैं। अगर खेती से जुड़ा हुआ कोई अगर इंसान का नाम लिया जाता है तो पटेल डांगी पाटीदार है। हमारे समाज के लोग सुबह 5 बजे या 4 बजे उठ के कृषि मंडी में सब्जियाँ बेचना, खेती करना, हमारा पूरा जीवन खेती में निकला है। अन्न कमाने का और सबको पेट भरने का जो अगर कोई काम है तो डांगी पटेल पाटीदार है। हमारा बोर्ड भी बनेगा तो समाज का उद्धार होगा, आने वाली पीढ़ी का उद्धार होगा, यही सोच लेकर हम उम्मीद करने आए और ये आज जो ज्ञापन के माध्यम से हमने तय किया है। मैं सबसे पहले तो समाज के अग्रणी संगठन और इन सभी को धन्यवाद दूंगा इस न्यूज़ के माध्यम से कि हमने किसी एक दूसरे को फ़ोन नहीं किया, सिर्फ एक मैसेज के माध्यम से इतनी तादाद में आए, तहे दिल से इनका भी धन्यवाद है। जो है आगे आंदोलन की जो है रूपरेखा जो आप लोगों की रहेगी? हमारे सरदार बोर्ड को गठन को लेकर 15 से 20 तारीख के बीच में एक युवा महापंचायत हम कानपुर खेड़ा में बहुत जल्दी कर रहे हैं, उसमें हमारी आर पार की लड़ाई रहेगी, क्योंकि हम अपना हक मांग रहे, भीख नहीं मांग रहे। सब बोर्ड बन गए, नेताओं ने सब डीजा लिख दी, उससे क्या फर्क पड़ता, हमारी मांग मुख्यमंत्री तक जावे, इसके लिए आज हम संक्षेप में लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और 20 तारीख के लगभग अपन युवा महापंचायत कानपुर खेड़ा में करेंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़ा करेंगे। धन्यवाद। घर की सजावट के लिए जरूरी है इंटीरियर, और यदि आप फर्नीचर खरीदने की सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि उदयपुर के प्रसिद्ध फर्नीचर निर्माता पूनम फर्नीचर पर उपलब्ध है सभी तरह के उच्च क्वालिटी फर्नीचर और साथ में फाइनेंस सुविधा भी। हॉस्पिटल, होटल और कॉलेज जैसे टर्न की प्रोजेक्ट में महारत हासिल, घर की सजावट या शादी के लिए खरीदना है फर्नीचर तो जरूर आइए पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, उदयपुर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9783
9826261 एंड 9828141898।